तो आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। ओके, तो 10.2 में देखो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर कहां से 1 से लेके 3 तक आपके एमसीक्यू मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 में। तो डालते हैं एक्सरसाइज 10.2। क्लियर, डाल दिया, एनी प्रॉब्लम? देखिए ध्यान से, अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल 24 सेंटीमीटर। एक किसी पॉइंट क्यू से जो टेंजेंट की लेंथ है सर्कल की 24 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की क्या रेडियस क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा सर्कल और समझते हैं फिगर से क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बेटा हमारा सर्कल बन गया। ओके, अब ये सर्कल है, सर्कल का पॉइंट क्या लेना है, क्यू लेना है, सर्कल पर नहीं, पॉइंट क्यू कहीं भी है। तो ये मान लो हमने ले लिया लेट से दिस इज द पॉइंट क्यू। ओके, अब इस पॉइंट क्यू से टेंजेंट, ये वाली हमारी टेंजेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट बेटा ड्रॉ होती है, 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक है ना, ये टेंजेंट है। अब इसकी लेंथ कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। क्लियर, अब सेंटर कहां होगा सर्कल का, जैसे मान लिया कि ये हमारा सर्कल का सेंटर डिनोट कर दिया ओ से। ओके, तो कह रहा पॉइंट क्यू की पॉइंट सेंटर तक की डिस्टेंस कहां से, यानी पॉइंट क्यू ये है और सेंटर बेटा हमारा ये है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बताएं आप, 25 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? तो आपको रेडियस फाइंड करनी, रेडियस क्या है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ आप जानते हैं यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, कौन सी थ्योरम थी, 10.1, क्या होती है, रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट होती है, मालूम है ना। तो ये पार्ट कौन सा बन गया ट्रायंगल, इसको कुछ नेम दे दो, इसे बोल दिया लेट से पी, तो ओपी आपकी रेडियस हो गई, तो ओपी क्या हो गई आपकी बेटा, रेडियस, आपको ओपी फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू किस थ्योरम से, बाई थ्योरम 10.1 से, या इसको उसका स्टेटमेंट राइट कर दीजिए, स्टेटमेंट क्या, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर ना, परपेंडिकुलर हो गए इन ट्राइंगल ओपीक्यू में, कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाती है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, क्या अप्लाई होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आपकी अप्लाई होती है, ठीक, इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बेटा ओक्यू का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम? तो ओक्यू कितना है, 25 का स्क्वायर, ओपी कितना है आपको बेटा फाइंड करना है, पी क्यू कितना है, 24 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, 24 का स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा 625 इक्वल ओपी स्क्वायर प्लस 576 को ट्रांसफर करो माइनस का हो जाएगा, तो ओपी स्क्वायर इक्वल आएगा 625 माइनस 576, 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, तो ओपी स्क्वायर आ गया 49, तो ओपी आएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस क्या आ गई सर्कल की, 7 सेंटीमीटर, ओपी क्या वाली रेडियस और रेडियस क्या आ गई बताइए बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए बेटा हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, एनी प्रॉब्लम? ओके, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू देखो, कल जब हमने थ्योरम आपको 10.2 समझाई थी तो हमने बताया था दो बातें बताई थी, कि अगर हम जो टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर के बीच का एंगल का सम कितने डिग्री बताया था, 180 डिग्री बताया था ना। तो इन फिगर 10.11 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर 2 टेंजेंट, कितनी टेंजेंट है, 2 टेंजेंट। पहले हम फिगर जब दिया गया तो हम पहले बेटा क्या बनाते हैं, फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना, इसमें 2 टेंजेंट्स है, एक हमारी ये लेट्स ये वाली, ओके, और एक बेटा हमारी
ये टेंजेंट है, क्या नेम है, टी पी एंड क्यू नेम है, क्लियर ना, बताइए। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर इसका क्या बेटा ओ, तो आप जानते हैं यहाँ पर एंगल बताओ कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, और यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल गिवन है पी ओ क्यू इक्वल 110, कितना पी ओ क्यू यानी दैट इज दिस एंगल आपका कितना गिवन है 110 गिवन है। आपको बेटा फाइंड करना एंगल पी टी क्यू, आपको ये फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, पी टी क्यू, पी टी क्यू आइडेंटिफाई करो, पी टी क्यू, तो आपको ये एंगल आप फाइंड करना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आप सुनिएगा ध्यान से, पी टी क्यू फाइंड करना। आपको मैंने कल थ्योरम समझाई तो बताया था कि यहाँ तो एंगल 90 डिग्री का हो जाता है ना, और यहाँ एंगल कितने डिग्री का हो जाता है 90 डिग्री का, तो बताया था कि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना बताया था मैंने 180 डिग्री का, क्योंकि ये बनता है क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट सभी एंगल का सम 360 होता है, इसमें 190 और 90 180 अधिक है तो कितना बचा 180 होता है, इसका और इसका सम कितना होता है। कल मैंने ये थ्योरम में पहले समझा दिया था, तो बी नो डेट देखो क्या लिखें, एंगल पीओक्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल बेटा 180 डिग्री, तो पी ओ क्यू आपका कितना है 110 प्लस पी टी क्यू इक्वल कितना है 180, तो बेटा फाइंड करो 110 उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 माइनस 110, तो आंसर आपका आ गया 70 डिग्री, क्या आंसर आ गया, यानी ये वाला जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, आप ऑलरेडी बता सकते थे, इतना टाइम तो मैंने समझाने के लिए दिया है आपको, मैंने कहा रेल का इनका सब 180 होना चाहिए, तो अगर ये 110 है तो ये क्या होना चाहिए 70 डिग्री, क्लियर ना, आंसर हो गया, एनी प्रॉब्लम, ओके नोट कर लीजिए। देखो थ्री क्या है, समझते हैं ध्यान से, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी ए पी टू ए सर्कल विद सेंटर, एक सबसे पहले आप बनाइए बेटा सर्कल, बना लिया, इसका सेंटर से ओ है बेटा, पी हमारा एक पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कौन कौन सी, पी ए एंड पी बी, लेट से दिस इज द ए पॉइंट बोल दो, इसे क्या बोल दो पॉइंट बोल दो, एनी प्रॉब्लम, कह रहा इनक्लाइंड, फिर सुनो एक बार अगेन रीड करते, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, किस पर है, तो ये टेंजेंट इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि पी ओ ए, पी ओ ए आपको ये फाइंड करना है एंगल उनके बीच का, ये एंगल आपको फाइंड करना, समझ में आया कि नहीं आया, दो तरीके ओनली आंसर देना है, ठीक है ना, सुनिए नहीं फोर्टी नहीं कह सकते ऐसे, क्या बताया था कि जब हमने कल थ्योरम में ये बातें बताई थी, क्या बताया था कि जब हम सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं इस एंगल को बाईसेक्ट करते हैं, बोला था ना मैंने, क्या करते हैं बाईसेक्ट, थ्योरम से बताया था मैंने बाईसेक्ट करते हैं, तो जब ये पूरा आपका क्या है 80 है, जब बाईसेक्ट का मतलब हाफ करती है तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ओके ये 40 हो जाएगा, और आप जानते हैं यहाँ पर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर टेंजेंट के, तो 90 और ये 40 ट्राइंगल के ऑल एंगल के सम कितना होता है 40, तो ये हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री, समझ आ गया, ओनली ही समझा दिया, ओनली ही आप फिगर वाले क्वेश्चन एंगल वाले आपको डायरेक्टली लगाने अगर एमसीक्यू पेपर मांगेगा, क्योंकि अब तो 18-19 क्वेश्चन एमसीक्यू मांगेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आपको बता दिया, क्या था जैसे ये 80 है तो ये 40 हो गया, तो ये 40 ये 90 है, कितना हो जाएगा 80। सेकंड तरीका क्या है, इसे यहाँ ज्वाइन करा लो,
तो अगर ये 80 भी पूरा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इसका इसका सम कितना होगा 180, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, ये आगे आंसर की नहीं आगे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए आप लोग, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने बताया था आपको 4 दो करते हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ठीक है ना। डायमीटर के एंड पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। कहां से क्या कर रहा है, एंड्स ऑफ ए डायमीटर कैसी होती टेंजेंट्स आपकी, पैरेलल होती है। अब तो यहाँ एक चीज समझ लो, पैरेलल किस लिए बोलते हैं, जो लाइन इंटरसेक्ट ना करें और उसके बीच में जो एंगल बनता है पैरेलल लाइन में क्या बनता है, रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे और रेडियस डायमीटर, डायमीटर भी परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, ओके। लेकिन यहाँ जो दिखाना है, कहने का मतलब अगर हम अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा लें, कैसे एंगल दिखा लें, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। अल्टरनेट दिखा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, या को इंटीरियर एंगल का सम क्या दिखा रहे हैं, 180 दिखा रहे हैं। पैरेलल दिखाने के लिए कोई भी कंडीशन दिखा दो, को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दो तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दीजिए तो लाइंस पैरेलल हो जाती है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दीजिए तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, सबसे पहले बनाते हैं फिगर, ओके। डायामीटर सपोज लेट्स दिस इज द डायामीटर हमारा, ये क्या है, डायामीटर है। डायामीटर आपको पास मालूम है कि सेंटर से पास होता है, कहां से पास होता है, सेंटर से, तो ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक टेंजेंट वेक्टर मैंने ये बनाई, समझना ध्यान से, एक टेंजेंट, इसका नेम दे दिया ए बी, क्या नेम दे दिया, ए बी, और एक टेंजेंट बेटा मैंने ये बनाई, इसका नेमिंग कर दी सी एंड डी। ये हमने ले लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या पी एंड क्यू, ओके। तो आपको दिखाना है ए बी पैरेलल सी डी, क्या दिखाना है, ए बी पैरेलल सी डी। गिवन में क्या है, गिवन है आपका बेटा कि एक सी सर्कल है, ओ सेंटर, आर इसकी रेडियस, इतना ही सफिशियंट होता राइट करना। तो रूप सो क्या करना है, बोलिए आप लोग, सो करना है ए बी पैरेलल है सी डी, वो एक ही बात है, ए बी पैरेलल सी डी। अब कुछ बात है कि सर यहाँ तो आप जानते हैं सर 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना, और कहेंगे सर ये 90 डिग्री है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट पैरेलल हो गए, है ना, बोल सकते हैं ना। अब हमें पहले तो ये दिखाना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी दिमाग में रखना, क्यों क्यों कहना चाहते हैं ये बात, जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल सपोज ये हमारी क्या है, रेडियस है, तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई हमारी, ऐसे एक टेंजेंट हमारी ये ड्रॉ हो गई, क्लियर ना। सपोज ये भी हमारी रेडियस है, तो एक टेंजेंट तो ये भी ड्रॉ हो गई, तो एंगल तो ये भी इसके इक्वल हो गया। अब इन्हें तो अल्टरनेट कह नहीं सकते हम, डायमीटर, हाँ यही सुनना चाहते हैं हम, डायमीटर है, और डायमीटर तो क्या होगा, सेंटर से पास होता है, तो सुनिए ध्यान से, ओके। देखिए तो कैसे करना है, प्रूफ कर देते हैं, लेकिन यार कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, सर कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा, थोड़ा समझना है यार ध्यान से। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, तो आप ऐसा, ये तो अल्टरनेट एंगल बन गए और ये लाइनें क्या हो गई, पैरेलल्स हो गई, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक। कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन में हम ये कि हाँ कोई ऐसे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, बोल देंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। यार जब ट्रेपीडियम, आपको याद हो ट्रेपीडियम प्रूव किया था, तो वहां लाइन्स पैरेलल होती है, लेकिन हमने क्या उसमें बीच में पैरेलल लाइन्स ड्रॉ की थी, है ना। तो कहने लगे कि ये जो लाइन है ओ एम बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ओ एम, लेट से ओ एम पैरेलल टू सी डी, ओ एम पैरेलल टू, और ओ एम सी डी के पैरेलल है, और इस ओ एम को हम किसके पैरेलल दिखा सके, ए बी के। अगर देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिया कि ओ एम पैरेलल सी डी है, ये कहां से ले लिया, कंस्ट्रक्शन से, और हम इस ओ एम को प्रूव कर दे कि ए बी के पैरेलल है, तो इसका ये बी आपस में फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समझ में आया। तो कंस्ट्रक्शन सुनिए, ड्रॉ ए
पैरेलल लाइन सीडी सीडी टू पॉइंट ओ, ठीक है ना, यानी पॉइंट ओ से सीडी के पैरेलल एक लाइन क्या की मैंने ड्रॉ कर ली, जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को लेट से मैंने क्या बोला एम बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? एम कह दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप बताइए, अब यहां हमने क्या बोला कि सीडी पैरेलल ओ एम है, क्लियर है ना, सीडी पैरेलल क्या है ओ एम है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये इतनी रेडियस हो गई, ये क्या हो गई रेडियस हो गई, इस पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो बी नो डेट क्या जानते हैं, आप जानते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, यस और नो? तो क्या हो जाएगा बेटा बोलिए आप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एंगल क्या बनेगा, एंगल ओ क्यू सी या एंगल हम कहें ओ क्यू डी, ये कितने डिग्री का बनेगा 90, यानी इधर साइड भी आपका बनेगा 90 डिग्री का एंगल, क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल, एंगल ओ क्यू डी बोले या हम क्या बोले ओ क्यू सी बोले, क्या बनेगा 90 डिग्री का। अच्छा ये वाला एंगल इसके कैसे होगा, इक्वल होगा, कैसे होगा इक्वल होगा या नहीं होगा जल्दी बताइए, ये वाला एंगल कैसे होगा इसके इक्वल होगा। तो सुनिए ध्यान से क्या बोलते, हम फिर सुन लो ये कंस्ट्रक्शन हम डायरेक्ट इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसे हमने रेडियस बोला है और रेडियस से जो टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनता तो वैसे भी हो सकती थी, है ना, इसलिए तो पहले इस लाइन को इसके पैरेलल दिखाती, तो कंस्ट्रक्शन में दिखा लिया और प्रूफ में हम इस लाइन को बेटा इसके पैरेलल दिखाएंगे, और जैसे ये पैरेलल हो गई तो ये आपस में ऑल थ्री लाइंस क्या हो गई पैरेलल, हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे बेटा ये भी एंगल क्या ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल है, इसका नेम क्या है एम ओ क्यू एंगल एम ओ क्यू इक्वल क्या होगा एंगल ओ क्यू डी इक्वल 90 डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एम ओ क्यू ये वाला एंगल इक्वल ओ क्यू डी ये वाला एंगल कैसा हो गया इक्वल हो गया। अब इतना प्रूफ हो गया ना, अब यहां पे हम करते हैं होने वाला है क्वेश्चन, अब ये बताओ ये 90, अच्छा यहां पर आप जानते हैं यहां भी 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि ओपी आपकी रेडियस है, ओपी क्या है ओपी आपकी क्या है क्वेश्चन में रेडियस है आर है, क्या है आर है, तो रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर होती किस पर टेंजेंट पे, किस पर एबी पर, है ना टेंजेंट, यानी यहां पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो एंगल आपका बनेगा एंगल ओपीए कितना होगा 90 डिग्री, तो ये वाला 90 इस 90 कैसा हो गया इक्वल हो गया, कैसा हो गया, तो यानी एंगल एपीओ एंगल एपीओ इक्वल एंगल एपीओ इक्वल एमओक्यू एमओक्यू इक्वल 90 डिग्री, रीजन क्या लिखे कौन से एंगल हो गए, तो हम यहाँ ये इक्वल हो गए जिसे बोलेंगे इट इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे एंगल है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल किसमें बनते हैं ओनली पैरेलल लाइन, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसे यहाँ करते हैं ना, तो इस कह सकते हैं क्या कि जो हमारी लाइन है ए बी ये लाइन ए बी है वो पैरेलल किसकी होगी ओ एम के, किसकी हो जाएगी, और ओ एम कंस्ट्रक्शन में किसके पैरेलल ली थी सी डी के, तो ओ एम लिया था मैंने सी डी के, तो इसलिए सभी लाइनें आपस में क्या हो गई पैरेलल। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बेटा हमने करा दिया है, जैसे थ्योरम 10.1 का मैंने क्या बोला था कन्वर्स बोला था, है ना, क्या बोला था 10.1 का कन्वर्स, ओके तो 5 देख लेना हो जाके। क्वेश्चन नंबर 6 समझते, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कहां से पॉइंट ए से टेंजेंट जो है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सर्कल, कर लिया ड्रॉ बेटा, ये क्या हमारा एक सर्कल है जिसे बोल दिया कि ये हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या है इतना ही बोल, ये पॉइंट ए है, तो सपोज ये हमारी क्या है टेंजेंट है,
इस पॉइंट ए से जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ओके आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बताओ सर्कल, नहीं नहीं ये थोड़ा पहले समझो, क्वेश्चन अगेन रीड करो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 5 नहीं है, सेंटर से 5 है, यानी ये हाइपोटेनस आपकी 5 है और ये आपकी 4 है, ये क्या आपकी 4 है, समझ में आया क्या कह रहा बेटा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर ये था हमारा, इस सेंटर से ये पॉइंट ए की डिस्टेंस 5 थी और टेंजेंट की लेंथ 4 थी, तो आपको क्या फाइंड करनी थी रेडियस, इसे क्या बोलते बेटा रेडियस। लेट से दिस इज द पॉइंट बी, तो आपको फाइंड करना ओ बी, ओ बी क्या है रेडियस है ना, ओ बी क्या है, तो इसे आप डिनोट कर सकते हैं, तो आप जानते हैं जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ओ बी परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना। लग जाएगी कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिन पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस क्या होती है 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बेटा बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस होगी ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ओ ए कितना है 5 इसका स्क्वायर इक्वल ओ बी कितना है फाइंड करना है, या आर बोला जैसे मैंने क्या बोला आर, ए बी कितना 4 स्क्वायर, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आर आएगा आपका 3 सेंटीमीटर, क्लियर ना। ओके नोट कर सकते हैं आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, 7 क्या है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल बताया था क्या होता है क्लास 9 में पढ़ाया था कि सेंटर एक ही होगा और एक ही सेंटर से डिफरेंट रेडियाई के सर्कल ड्रॉ होंगे, कैसे रेडियाई के डिफरेंट रेडियाई के सर्कल ड्रॉ होते हैं उसे बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो कह रहा है 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो देखो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब जैसे हमने कहा ये सेंटर है, सुनना बहुत ध्यान से, इस सेंटर से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो, इसी सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो, तो देखो एक ये कर लिया बेटा कितने का 3 सेंटीमीटर का सर्कल और एक कर लिया ये कितने का 5 सेंटीमीटर का सर्कल, क्लियर है ना, ठीक है फिर कोई बात नहीं, ये सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी है 3 और बड़े वाले की कितनी है 5, एक स्मॉलर सर्कल होगा जिसकी रेडियस कम होगी, एक लार्जर सर्कल होगा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करिए ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो क्या लार्जर सर्कल की कॉर्ड हो स्मॉलर सर्कल की टच करती हो, मतलब स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट बन जाए और लार्जर सर्कल की क्या हो कॉर्ड हो, तो कैसी होगी देखो ये होगी इस टाइप से, अब बताओ ये कॉर्ड है कि नहीं, तो ये लार्जर सर्कल की हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कॉर्ड, जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है टच, इसकी क्या फाइंड करनी है आपको लेंथ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है समझ में आया फिगर की नहीं आया जल्दी बताइए। तो ये कॉर्ड हमारी जो स्मॉलर सर्कल क्या कर रही है टच और लार्जर सर्कल की क्या है कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट, ये भी कह सकते हैं। तो इसे बेटा बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसे बोल दिया बेटा एम, ऐसे बोल दिया ओ, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ ये ओ एम है, ये क्या होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, हम यहां बोल सकते हैं क्या कि ए बी हमारी जब टच करेगी तो क्या बन जाएगी, ए बी जब टच करती है क्या टेंजेंट बन जाती है, तो ए बी इज आर टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, कौन सर्कल की बेटा स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट बन गई हमारी है ना। अब ये जो OM है क्या रेडियस है, किस सर्कल की रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, OM क्या है स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, तो ये रेडियस स्मॉलर सर्कल की कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो OM इक्वल लेट से हमने 3 बोल दिया तो ये रेडियस है। अच्छा ये बताओ AO ये किस ये कौन सर्कल की रेडियस है लार्जर सर्कल की, तो ये कितनी दी गई है तो OA बोल दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, क्या बोल दिया 5, तो यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनता है आप एंगल जानते हैं कि रेडियस पर सेंटीमीटर होती है, तो OM परपेंडिकुलर AB
OM क्या है परपेंडिकुलर AB, तो यहाँ कौन सा लग जाएगा ट्रायंगल, या ये कितनी होगी 5, ये होगी 5 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इन ट्रायंगल OMA या AMO क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो OA स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो OA कितना बेटा, OA 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, OM कितना है 3 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, देखो तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 इधर आ गया माइनस का इक्वल AM स्क्वायर, तो AM कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आएगा सॉल्व करने पर। अब थोड़ा सुनना, आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी, कि क्या पढ़ी थी, अगर जैसे ये थी थ्योरम, समझना बहुत ध्यान से, ये हमारा क्या है सर्कल है, ये क्या है कॉर्ड है, ये क्या है सेंटर है, तो अगर कोई कॉर्ड सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ करे इस पर अगर क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करते है, क्लास 9th में थ्योरम थी ना सर्कल चैप्टर में, तो क्या करते हैं कॉर्ड को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4 होगी, इसका मतलब तो हम क्या बोलेंगे AB इक्वल 2AM, तो AB इक्वल कितना हो जाएगा 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया आंसर।